लालू यादव यहाँ आते हैं तो पेड़ा रोक करके खाइए के जाते हैं, तेजस्वी यादव आते हैं तो खाते हैं उनका लड़का। 30-40 किलो एक दुकान का सेल है। और टोटल कितने दुकान होंगे यहाँ पे? मतलब मान लीजिए 20-25 दुकान है यहाँ पे। हम लोग बाबा धाम जाते हैं तो उधर से आ करके यहीं पे पेड़ा लेते हैं घरे ले जाने के लिए। बाबा धाम में तो एक पेड़ा खाएंगे पूरा पेट में भर जाएगा, बुझाएगा कि पेट चढ़ गया, इतना चीनी उसमें रहता है। नमस्कार, मेरा नाम आदर्श और आप देख रहे हैं राइजिंग छपरा। अभी हम एकमा के आम डाढ़ी में मौजूद हैं और पूरे बिहार में हमारे यहाँ का एकमा का आम डाढ़ी का जो पेड़ा है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। अभी हम इसी ढाला पे, यहाँ पे एक ढाला है, ढाला के बगल में हम मौजूद हैं। यहाँ पे जो है पेड़ा की दुकानें हैं और इस दुकानदारों से हम बात करेंगे कि आखिर क्यों यहाँ का पेड़ा इतना प्रसिद्ध है और ये ऐसा क्या डालते हैं जो और जगहों से इनके पेड़ा को अलग बनाता है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय दुकानदार हैं, क्या नाम है आपका? गोलू। गोलू जी, कब से आप यहाँ पे पेड़ा बेच रहे हैं? 10 साल से ऊपर ही हो गया। 10 साल से ऊपर हो गया। तो जो पेड़ा है आपका, क्या अलग है बाकी पेड़ा से? पेड़ा अलग है इसीलिए कि बनावटी में मतलब जो है ना, दूध आता है जलाते हैं उसको, चीनी कम डालते हैं, शुगर का पेशेंट भी खा सकता है इसको, इसीलिए पेड़ा यहाँ का फेमस है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं आपके पेड़ा को ले जाने के लिए? मेरा पेड़ा से बहुत दूर दूर से आदमी ले जाने के लिए, समझ ले कि यहाँ तक ऑस्ट्रेलिया भी बहुत, माने विदेशों में जाता है पेड़ा यहाँ का। विदेश में भी? हाँ, विदेश में भी पेड़ा जाता है। क्या बेच रहे हैं ये? आप कई पीढ़ियों से बिक रहा है यहाँ पे दुकान? लगभग मेरे दादा भी किए हैं, मैंने हर कोई, मैंने पूर्वज भी मेरे बेच रहा है बहुत, मैंने हाँ 3-4 पीढ़ी तो हुई होगा, हो गया होगा। कोई बड़ी हस्ती भी यहाँ पे आपके यहाँ से अभी तक कोई पेड़ा वगैरह ले गए हैं? हाँ, नेता हो या चाहे खेसारी लाल यादव, कुछ भी, मैंने सबको यहाँ पे आता है, रुकता है, लेकर जाता है, लेकर जाता। क्या बोले चाचा? लालू यादव यहाँ आते हैं तो पेड़ा रोक करके खाइए के जाते हैं, तेजस्वी यादव आते हैं तो खाते हैं उनका लड़का। मैंने लालू यादव जब भी इस जगह से गुजरते हैं तो यहाँ रुक करके पेड़ा यहाँ का खा के जरूर जाते हैं। इतना फेमस है आम डाढ़ी का पेड़ा। अच्छा, इतना नामी पेड़ा है। हाँ, बाबा हमारे साथ है। बाबा, पेड़ा यहाँ के कब से प्रसिद्ध बा? 40-35 वर्ष। काहे यहाँ के पेड़ा इतना प्रसिद्ध बा, ऐसा का अलग बा जो दूसरा जगह ना मिलेगा? ये जगह पेड़ा के वो अलग क्वालिटी है बा। जितना हम भाई लालू जी पेड़ा खिले बड़े ढाला पर को आके पतले जान दे, इतना फेमस बा। हाँ, गोरा फुकन है बेटी के, हाथ काले किलो पेड़ा गोले से गोरा फुकन बेटी के गोनी हम अपना। हाँ, यहाँ से पेड़ा ले गोनी हम का हमारा पेड़ा एक मा बाजार में नहीं खेत है, गोरा पेड़ा ना मिली ले गोनी। हाँ, मैंने बेटी की यहाँ हितई पड़ती है, ढलवा पके पेड़ ले ले आए, ढलवा पके पेड़वा ले ले आए, कल पेड़ा खेले नहीं खेल, कल रुपया नहीं खेल, हर जगह पेड़ा बा। मतलब जे भी ये जाके पेड़ा खेले बा वो मांगे लगे ढलवा पके, आम डाढ़ी का ढाला पके पेड़ा ले ले आए। रहुआ ये से अपना रिश्तेदारी में गोरखपुर भी लेके गई बनी का हम लेके करनी, आज मोर से कल मोर से गई नहीं, आज मोर से लौट नहीं, हम लौट नहीं हते, बेटी के गुड़िया आई नहीं हसे। अच्छा, तो बेटी के घरे उतरी हमरा तो उनको कुछ मोर मिठाई चाही, तो कहे बाबा चाचा पेड़वा ढलवा पके ले ली हमें काहे पे, चलो घर चलो। आ तो लड़का बड़ा से तो कहे से ना, तो फिर फोन करे मुकेश कहे ले आधा के पेड़ा जो कहला खमाओ तनी, 4-7 मुठर नहीं हो पेड़ा धरो से लेके गई नहीं, तो आ अपने भाई दान देनी हो किसी पहलवा जाए करे से। ये चीज बाबा, धन्यवाद। आप दुकानदार हैं, आप ये बताइए कि कितना खपत है पेड़ा का जब इतना फेमस? 30-40 किलो एक दुकान का सेल है। और टोटल कितने दुकान होंगे यहाँ पे? मतलब मान लीजिए 20-25 दुकान है यहाँ पे, 25 दुकान है यहाँ पे, 25 दुकान ढाला के इस पार और उस पार ना, दोनों मिला करके 25, दोनों मिला के 25 पर दुकान है। आज सारे दुकान पर के मिला के अलग अलग सेलिंग, मतलब मान लीजिए कि 20 किलो 25 किलो बेचाइए जाता है एक दुकान पर मिला के। क्या रेट है पेड़ा का? पेड़ा का यहाँ का 360 रुपया रेट है किलो, 60 रुपये किलो, और इसे 10 रुपया पीस एक तो मिलता है। तो आप अभी आम डाढ़ी का पेड़ा जो है काफी मशहूर है, काफी फेमस है, और हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने सोचा कि इस स्टोरी को कवर किया जाए, क्योंकि हमारे सारण छपरा की जो है ये एक समझिए एक तरह से एक फेमस कुसीन है, और इस यहाँ का जो पेड़ा है जो यहाँ से विदेश लोग जाते हैं वो भी लेकर के जाते हैं। और जैसा कि बाबा ने भी कहा और स्थानीय लोग भी कह रहे हैं कि लालू यादव भी यहाँ जब गुजरते हैं तो रुक करके यहाँ पेड़ा जरूर खाते हैं। तेजस्वी यादव भी जो है गोपालगंज का घर है, जब भी लड़का चाहे वो जाते हैं तो यहाँ रुक करके पेड़ा खाइए करके वो जाते हैं जी।
मतलब गोपालगंज जब भी जाते हैं इनका कहना है तो पेड़ा खा के ही जाते हैं। हम टेस्ट करके देख रहे हैं, पेड़ा जो है सच में स्वादिष्ट है और चीनी कम है। हम लोग बाबा धाम जाते हैं तो उधर से आ करके यहीं पे पेड़ा लेते हैं घरे ले जाने के लिए। बाबा धाम में तो एक पेड़ा खाएंगे पूरा पेट में भर जाएगा, बुझाएगा कि पेट चढ़ गया, इतना चीनी उसमें रहता है बुझाएगा कि पेट में भर गया। यहाँ का देखिए एक पेड़ा खा करके माने एक आदमी अंदाज लगाएगा कि आधा किलो खा जाएगा उसका बुझाएगा कि नहीं का मिठाई नहीं खाए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, स्थानीय दुकानदार थे हमारे साथ और आप देख रहे थे राइजिंग छपरा। बहुत बहुत धन्यवाद।